हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बेकार पॉलीथीन को एक मतलब इकट्ठा करके रख सकते हैं और उनसे क्या चीज़ बना सकते हैं जिनका उसका यूज़ भी हो सके। तो आज का वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वेलकम बैक माई चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। तो आज का वीडियो वाकई बहुत यूजफुल है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम लेमन वगैरह लाते हैं तो कुछ लेमन इतने टाइट होते हैं कि हाथ से तो स्क्वीज़ होते ही नहीं है। जैसे कि ये वाला लेमन देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट है और इसमें हम हाथ से स्क्वीज़ करेंगे देन जूस जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो हमें ऐसे में क्या है ना कि हमें स्क्वीज़र की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बाई चांस अगर हमारे पास स्क्वीज़र वगैरह ना हो तो हम इसमें से जूस कैसे निकालेंगे, क्योंकि हाथ से प्रेस अच्छे से होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप दोनों हाथों से इस पर अच्छे से प्रेशर लगा सकते हैं। कैसे, आपको एक कोई भी कटोरी ले लेनी है, उसमें आप स्ट्रेनर रख दीजिए और इस तरीके से क्या है ना, आप चिमटे की मैं बीच में फंसा के और अच्छे से दोनों हाथों से आप इसको दबाइए और जितना भी जूस वगैरह है वो बहुत अच्छे से इसमें निकल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब जितना भी प्रेशर इस पर देंगे ना, बहुत ईजी तरीके से प्रेशर आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जितने भी आपके जो मतलब बीज वगैरह हैं और जो रेसेस होते हैं उसके, ठीक है, वो सारे आपके स्ट्रेनर में ही आ जाएंगे एंड जूस बस आपके पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं कि मतलब जब भी आपको निकालना, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं देन अपनी सिंक वगैरह को क्लीन करने के लिए, आप उसको फेंकिएगा मत। और यहाँ पर देखिए, मैं पोहा में डालने के लिए जूस निकाला था, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारे मतलब सिंक में कुछ इस तरीके से दाग वगैरह लग जाते हैं क्योंकि पानी बूंद बूंद टपकता रहता है, तो वो जंग ना पड़ जाए इसलिए आप इसमें लेमन से इसको हटा सकते हैं, बहुत इजी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो बस बेकार हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ नेक्स्ट टिप है, हम जब भी स्विच बोर्ड वगैरह क्लीन करते हैं ना, तो कई बार गीले कपड़े से, गीले ब्रश वगैरह से क्लीन करते हैं तो क्या है, थोड़ा बहुत ड्रॉप जो है ना इसके अंदर चली जाती है, देन हमें शॉक लगता है, काफ़ी तेज करंट लग जाता है। तो इस तरीके से हम सही स्विच बोर्ड वगैरह क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ जो जिसे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दिवाली आने वाली है तो सब लोग क्लीनिंग वगैरह करेंगे ही, तो ये काम आपके बहुत आने वाला है हैक। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास मैंने यहाँ पर फॉर्म शीट लिया है, थोड़ी सी मतलब मोटी होती है ना इसलिए, क्योंकि हम इससे क्लीन करेंगे ना तो पानी वगैरह जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके शॉर्ट सर्किट बने हुए हैं मतलब होल जो है उतने ही आपको कट कर लेने हैं। और मेरे वाले स्विच बोर्ड पर एक ही है और जिसमें 6 होल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 6 कट कर रही हूँ। और सबके साइज़ अलग होते हैं तो आप उसी साइज़ के अकॉर्डिंग ही इनको कट कर सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है, इस तरीके से कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने सारे जो है कट कर लिए, कोई मैंने छोटा कट किया है एंड कोई बड़ा कट किया है, तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारे कट कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से आपको कट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, कुछ होल यहाँ पर बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इस हिसाब से मैंने इसलिए यहाँ पर इस तरीके से किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, तो इन पर सबसे पहले ना मैं यहाँ पर इस तरीके से चिपका दूँगी। आप किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं, हल्का सा ग्लू लगा दीजिए, हल्का सा लगाना, बिल्कुल 1 ड्रॉप लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा लगा दीजिए और बस इस तरीके से इनको यहाँ पर जितने भी होल हैं उनके ऊपर आप इस तरीके से रख दीजिए। तो क्या है कि अब आप अगर किसी भी गीली चीज़ से इसको क्लीन करेंगे, लाइक देखिए मैं ब्रश से कर रही हूँ जो कि गीला है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और बीच बीच में आप कहीं पर भी की वगैरह पर कहीं पर भी कीजिएगा, बिल्कुल इसके ऊपर भी कीजिएगा, तो क्या बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से करें, क्योंकि थोड़ी बहुत भी ड्रॉप चली जाती है ना देन बहुत तेज़ करंट लगता है। तो इस तरीके से आपको कोई भी शॉक वगैरह भी नहीं लगेगा और आप इस तरीके से अपने स्विच बोर्ड को क्लीन भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने सूखे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए और जैसे ही आपका साफ हो जाए फिर आप इनको हटा दीजिए इस तरीके से। और देखिए, स्विच बोर्ड जो है आपका बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एकदम से चमकने लगेगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स से गई थी यहाँ पर मेरा पॉलीथीन को लेकर, जिन्हें हम इकट्ठा कर ही लेते हैं। ये पॉलीथीन हमारे पास हर चीज़ के साथ आ जाती है, लाइक वेजिटेबल्स पर ही खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज़ मतलब लेके आते हैं तो इस तरीके की पॉलीथीन इकट्ठी हो ही जाती है। कितना भी कोई भी मना करे ना दो प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन मत दो, बट ये चल रही हैं तो आ रही हैं सबके घरों में। तो बस इस तरीके से इकट्ठा, तो इनको ऐसे ही थ्रो करने की बजाय आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अपने डस्टबिन वगैरह में लगा सकते हैं कूड़ा वगैरह मतलब डालने के लिए। और यहाँ
पर एक सबसे अच्छा यूज़ मैं आपको और बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि जितनी भी पॉलीथिन, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कितनी सारी पॉलीथिन को इकट्ठा कर लिया, बिकॉज इकट्ठी होती रहती है, थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ यानी ये काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई। तो मैंने सोचा चलो इनको एक तो आपके साथ दो ऑर्गेनाइजर सेट करूँगी, शेयर करूँगी, एक ही चीज़ से दो चीज़ें बताऊँगी आपको, जो अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है और उसको इस तरीके से आपको एक साइड से मोड़ना है और बस इसको आप किसी भी धागे वगैरह से यहाँ पर उल्टा करके, लेकिन आपको ये काम करना है, कपड़े को उल्टा रखना है और इस तरीके से आपको ऊपर का जितना भी हिस्सा है ना, बस इस तरीके से आपको इकट्ठा करना है और इसको आप यहाँ पर नॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी धागा वगैरह ले लीजिए और बस मजबूत सा धागा होना चाहिए और बस इस तरीके से आप दो तीन गांठ लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। तो क्या ये नीचे से ना बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा और ये हमारा बस ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे से फिक्स कर दिया एंड जो साइड से हमारा यहाँ पर खुला हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको स्टिचिंग कर देनी है। तो आप ये स्टिचिंग हाथ से या मशीन किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फटाफट से हाथ से ही लगा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो देन ये हाथ से चल जाएगा। तो आप इस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे से टाँके आप डाल दीजिए और ये देखिए इस तरीके से आपकी स्टिचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है इसको और इसको आप दो तरीके से यूज़ कर पाएंगे, किस तरीके से वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और ये देखिए यहाँ पर हो गई है, मैंने इसको सीधा कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपकी जितनी भी वेस्ट पॉलीथिन्स वगैरह है ना उन सबको आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। जितनी भी आ जाए आपको थोड़ा सा टाइट कर करके भरना है इसके अंदर, तो इसमें ढेर सारी पॉलीथिन आपकी आ जाएंगी, ठीक है। देखने में छोटा लग सकता है पर आप थोड़ा सा टाइट करके भरेंगे ना तो बहुत अच्छे से इसमें सारी पॉलीथिन्स वगैरह आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितनी भी पॉलीथिन थी सारी मेरी इसमें आ गई हैं और ये देखिए हमारा एक बूस्टर बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड से तो हमने इसमें पहले से ही इसमें नॉट लगा के इसको तैयार कर दिया है। अब हम बात करेंगे ऊपर से कि आप इसको ऊपर से किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से भी आप बस आपको इस तरीके से पकड़ना है और बस यहाँ पर अच्छे से आप पहले नॉट कर दीजिए, जैसे हमने नीचे नॉट किया है वैसे ही नॉट कर देंगे और उसके बाद जितना नॉट हो जाएगा ना फिर इसको उसके अंदर इस तरीके से डाल के और बस वापस से इस तरीके से अंदर डाल के और इसमें हम स्टिचिंग कर देंगे, यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं यहाँ इसको स्टिच भी कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से नॉर्मल से आपको छोटे छोटे से टाँके डालने हैं, ऐसे टाँके डालने हैं जो बाहर से दिखाई ना दे, एकदम हिडन वाले टाँके आपको लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए सारे टाँके वगैरह मैंने लगा दिए हैं और ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बूस्टर बनके तैयार हो गया। अब आप इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं देन आप उस सीट पर इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने नेक को सपोर्ट देने के लिए कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉलीथिन का बना है तो काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी हल्का है। आप इसे स्टूल वगैरह पर अपनी कमर को सपोर्ट वगैरह देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 से 7 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के ना, उनके लिए भी आप इसे एज अ पिलो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है तो उनके नेक वगैरह को काफ़ी रिलीफ रहेगा। बच्चे छोटे होते हैं अगर वो इस साइड से गिरने का डर रहता है तो आप उनके साइड से लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप इसको नीचे से इस तरीके से कट लगा के पॉलीथिन वगैरह का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जैसे कि आपको पॉलीथिन की ज़रूरत है तो आप इस तरीके से अपनी पॉलीथिन वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे एज ए किचन में पॉलीथिन ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे बेडरूम वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे एज ए वोस्टर कंफर्ट वगैरह के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको अगर किचन में यूज़ कर रहे हैं तो बस इस तरीके से कील पे लगा दीजिए और बस इस तरीके से आप नॉर्मल अपने पॉलीथिन वगैरह में से भी निकाल सकते हैं, देन ऊपर से आप वापस से इसमें डाल भी सकते हैं। तो गाइस ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पर एक छोटा सा टिप शॉर्ट शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग जब रोटी वगैरह रखते हैं ना तो बिल्कुल इस तरीके से ही रख देते हैं, थोड़ा सा हम एल्युमिनियम फॉइल वगैरह रैप पेपर लगाते हैं, फिर भी हमारी जो नीचे की रोटी होती है ना वो पसीज जाती है, पानी पानी हो जाती है, जो कि नीचे की रोटी एकदम वेस्ट हो जाती है। तो आप क्या करें, जब भी आप हॉट पॉट या किसी भी ऐसे बर्तन में अगर आप रोटी वगैरह रख रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक सॉसर ले लीजिए पतला सा, ठीक है। इस तरीके से सॉसर को आप पहले अपनी कटोरी में रख दी, वो सॉरी हॉट पॉट वगैरह में रख दीजिए, गैसरोल वगैरह में, उसके बाद आप रोटियां वगैरह उसके ऊपर रखिएगा, जितनी भी रोटियां आप रख सकते हैं ना आप उतनी रख दीजिए। देन आप इसके बाद अगर आप इसको लिड ऑफ करेंगे ना, इसकी बंद करेंगे तो आपकी जो नीचे वाली रोटी है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इस आइडिया को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से काम करता है। तो गाइस ये था मेरा आज के टिप्स एंड ट्रिक्स, आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोज़ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।